पंच परमेष्ठी भगवान आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि की आवश्यकता भला किसको नहीं होती। ऐसा तो कोई भी प्राणधारी इंसान हो ही नहीं सकता जो कि अपनी ज़िंदगी में रिद्धि सिद्धि समृद्धि ना चाहता हो, जो यह कह दे कि अब बस, अब बहुत हो गया, मैं परित्रप्त हुआ, मैं पूर्ण हुआ, निष्काम हुआ, संपूर्ण हुआ, ऐसा कहने वाला कोई मिला? कोई मिलता ही नहीं है। कोई इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हर आदमी को हमेशा और आगे कुछ न कुछ अट्रैक्ट करता रहता है, जो उसके पास है उसके सिवाय कुछ और हमेशा उसको अट्रैक्ट करता रहता है, और यह अट्रैक्शन आदमी को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है, आगे चलाता रहता है, यूँ कह रहे हो कि आगे धकाता रहता है, पीछे से एक प्रेशर आता है और आगे वो मिलेगा, उसके आगे फिर वहाँ पहुँचना है। हर आदमी को कहीं ना कहीं पहुँचना ही पहुँचना होता है, इसीलिए हमारी दिन रात जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक गति चलती रहती है। हम सब कहीं आगे कुछ पाने के लिए बढ़ते चले जा रहे होते हैं। ये जो हम बढ़ते चले जा रहे होते हैं, अगर हम पूर्णता से देखना चाहें तो कहीं कुछ हमें और छोर दिखाई पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा होगा कि जहां लगेगा कि ये और ये छोर, ये प्रारंभ ये अंत, कहीं दिखलाई पड़ेगा कि जहां हमारी शुरुआत हुई, जहां हमारी इच्छाओं की अब पूर्णता हो गई, अब अंत आया, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। हमने देखा हमारे पिताजी मरे तब भी मन में कुछ ख्वाहिशें थी, है ना, और शायद पिताजी के पिताजी मरे तो उनके मन में भी कुछ ख्वाहिशें रही ही होंगी, और इसी तरीके से सारे ही लोग होंगे, शायद सभी के मन में कुछ ख्वाहिशें रही होंगी। वो पूर्ण निष्कामा होकर के मरने वाले लोग शायद ही कोई होते हो, और जो होते हो उन्हीं को अरहत सिद्ध परमात्मा कहा जाता होगा, बाकी तो कोई नहीं होता। सवाल यह है कि इस तरीके की यात्रा का अंत तो कहीं है नहीं, विराम कहीं है नहीं, तो इस यात्रा से भिन्न क्या कोई और यात्रा भी है जहां पर पहुंचते ही पूर्णता आ जाती है, जहां पहुंचते ही निष्कामता परितृप्ति आ जाती है? ऐसी कोई और यात्रा होती भी है क्या? होती है। तो कुछ ज्ञानी लोग, ऋषि मनीषी लोग कहते हैं कि ऐसी भी एक यात्रा होती है, ऐसी भी एक गति होती है जिस जहां पहुंचते ही पूर्णता आ जाती है, निष्कामता आ जाती है। वो यात्रा क्या है? तो वो हमें एक दृष्टांत से समझाते हैं कि इस दुनिया में दो यात्रा है, एक यात्रा है परिधि से परिधि की यात्रा, और दूसरी यात्रा है परिधि से केंद्र की यात्रा। दो शब्द है, सेंटर पॉइंट केंद्र, और उसका परिधि सर्कमफेरेंस, एक केंद्र है एक पॉइंट है, और उस पॉइंट के चारों ओर एक गोल घेरा है, ठीक है, परिधि है। अब परिधि पर हम सब लोग मौजूद हैं, और हम परिधि के जिस भी पॉइंट पर मौजूद हैं उसके आगे हमेशा कुछ और होता है जो हमको लुभाता है, फिर हम जब वहाँ पहुँचते रहते हैं उसके आगे कुछ और होता है जो हमको लुभाता है, और इस तरह से हम लगातार पूरा राउंड सर्कल में मूव करते ही रहते हैं। सर्कल में मूव करने को एक शब्द दिया, उसका नाम है, वो शब्द है संसार। क्या शब्द है? संसार। संसार शब्द का मतलब होता है द व्हील, द व्हील, एक चक्र, एक परिधि पूरी, एक चक्र। इस चक्र में हम कहीं पर भी है, हम सदा ऐसे 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 से मूव करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। इस पूरे चक्र के अंदर में हम कभी ऊपर आएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऑल्दो ऊपर और नीचे दोनों रिलेटिव ही होंगे, क्योंकि जब हम नीचे होंगे तो किसी और के लिए ऊपर होंगे, जब हम ऊपर होंगे तो किसी और के लिए नीचे भी हो सकते हैं, पर हम हमेशा ऐसे मूव करते रहते हैं। ये वो यात्रा है जो हम सबकी परिचित यात्रा है।
हम सबका पास्ट एक्सपीरियंस यही यात्रा है और मे बी प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी यही यात्रा है। और अगर हम केंद्र की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो इट मे बी कि हमारा फ्यूचर भी यही हो कि हम पूरी टाइम बस पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ लगेगा यार अधूरा हूँ, अधूरा हूँ, अतृप्त हूँ, कुछ तो कमी है, कुछ तो खल रहा है। मतलब जिस लड़की को बहुत चाहता था आदमी ना, पूरे समाज से खिलाफ जाकर के भी उसने उस लड़के से शादी करी। उसको लगा बस ये मिल जाएगी तो कंप्लीटनेस आ जाएगी लाइफ में। जैसे वो वहाँ पे पहुँचा फिर क्या हुआ, फिर लगा अभी कंप्लीटनेस नहीं आई। लड़की तो मिल गई, पत्नी तो हो गई, लेकिन अभी उतना बड़ा मैं घर नहीं बना पाया, मैं अपना घर नहीं बना पाया। अब वो घर की तरफ दौड़ेगा, ठीक है, जब घर हो जाएगा तब तक पत्नी और पति में भी झगड़े चालू हो जाए, मे भी झगड़े ना हो तो कोई बच्चा आ जाए। अब फिर उसको कुछ ना कुछ खलना, अधूरा खलता रहेगा, सब्जेक्ट्स बदलते जाएंगे लेकिन आदमी का अधूरापन खत्म नहीं होगा। अब इस शब्द पे जरा ध्यान दे, अधूरा, अधूरा क्या, अधूरा, जहां धुरी नहीं उसका नाम है अधूरा। परिधि पे कोई धुरी है, धुरी कहाँ है, केंद्र, धुरी तो केंद्र है, परिधि पे तो कोई धुरी नहीं। तो सारी लाइफ हमको क्या फील होता रहता है, हम अधूरे हैं, हम अधूरे हैं। कुछ और चाहिए का मतलब यही तो हुआ कि हम अधूरे हैं, तो हम अधूरे यानी धुरी नहीं है, हमारे को अभी केंद्र नहीं मिला, इसका नाम है अधूरा। लोग अधूरा मतलब समझते हैं रिक्त है, खाली है, कुछ और चाहिएगा। वैसे ही अधूरा शब्द का अर्थ होता है केंद्रहीन व्यक्ति, केंद्र रहित व्यक्ति, ठीक है। अब ये जो हमारी यात्रा है अधूरी अधूरी यात्रा, भंग भंग यात्रा, फोटोन फोटोन, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े में, भंग भंग में, ये यात्रा ऐसी है जैसे एक बंदर होता है पेड़ के ऊपर, वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे डोलता है, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पे डोलता है। ऐसे ही हम लोग पात पात पे भटकते रहते हैं, पत्ती दर पत्ती भटकते रहते हैं, कभी ये वाली पत्ती चाहिए, कभी वो वाली पत्ती चाहिए, कभी ये वाली पत्ती चाहिए, हम पत्ती दर पत्ती भटकते रहते हैं, शाख दर शाख भटकते रहते हैं, लेकिन हम कभी केंद्र पे नहीं आए। अब वो पूरी यात्रा कौन सी होती है, जब हम परिधि से परिधि, परिधि से परिधि न जा करके परिधि से केंद्र पे आते हैं, ठीक है। और बड़े मजेदार बात यह है कि परिधि पर हम कहीं भी खड़े हो, संपूर्ण परिधि से केंद्र पर आने के रास्ते सबके अलग अलग होंगे, लेकिन हर परिधि से केंद्र पर आया जा सकता है। परिधि के किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर के केंद्र पर आया जा सकता है, यानी हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी उम्र में हैं, जिस भी तरह की एबिलिटी वाले हैं, हम हर परिधि के किसी भी विषय बिंदु से केंद्र पर आ सकते हैं। और केंद्र से परिधि तक की समस्त दूरियां एक समान होती है, केंद्र से परिधि तक की समस्त दूरियां एक समान होती है, ध्यान देना। और जब केंद्र पर परिधि से हम किसी भी पॉइंट से केंद्र तक आते हैं और समस्त जगह पे से आने वाले केंद्र पर जब मिल जाते हैं तो वो एक ही हो जाते हैं, वो भिन्न भिन्न नहीं रहते, ठीक है। बस इसी सत्य को समझना है हमें, ये सत्य बाहर से बुद्धिक रूप से तो समझ में आ गया, अब इसको आध्यात्मिक तरीके से समझेंगे हम। परिधि है संसार, केंद्र है अध्यात्म, केंद्रस्थ होना यानी आध्यात्मिक होना, आत्मिक होना, आत्मस्थ होना, आत्मा के आठ रूचक प्रदेश केंद्र है, वही आत्मा का अपना असली होनापन है, आठ रूचक प्रदेश, ठीक है। उस केंद्र पर आने के लिए हम परिधि के किसी भी विषय बिंदु पे खड़े हैं, यानी हम किसी धर्म को मानने वाले हैं, हम किसी जाति में पैदा हुए हो, हम किसी तरह के समाज में ऊंच नीच नामों से पुकारे जाते रहे हो, हमारे उस हम ओसवाल हो, अग्रवाल हो, पोरवाल हो, और भी माहेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सारे फर्क कहाँ है,
परिधि पर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम शास्त्रों के जानकार हैं, हम शास्त्रों के जानकार नहीं हैं, कोई फर्क परिधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परिधि से केंद्र पर आने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है कि आप कितने जानकार हो या नहीं हो। ये सारे फर्क कहाँ है? परिधि में जो है वहां अलग अलग पॉइंट्स पे फर्क है, परिधिगत फर्क है, लेकिन परिधि से केंद्र तक आने के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी जाति, लिंग, समुदाय, संप्रदाय, अवस्था, आस्था, मान्यता, विश्वास, संस्कार वाले हैं। परिधि पे सारे भेदभाव है, परिधि से केंद्र तक आने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब समान दूरी पर मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात, परिधि से केंद्र पर आने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, परिधि से ही परिधि पर यात्रा करना हो तो बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, पर परिधि से केंद्र पर आने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। वहां क्या होगा? जहां खड़े हैं, जिस पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट के हम गहराई में चले जाएंगे। परिधि से केंद्र तक आने का रास्ता कहाँ है? बस जहां खड़े हैं वहीं से गहराई में चले जाएंगे। जैसे ही हम जहां खड़े हैं वहीं से गहराई में चले जाते हैं, यानी हम समुद्र के किसी कोने पे खड़े हो, अगर हम गहराई में चले जाएंगे हम सब लोग तल पे हो जाएंगे। अगर हम ऊंचाई पे चले जाएंगे, इस धरती के हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, अगर हम ऊंचाई पे चले जाएंगे हम सब लोग लोकाग्र पे पहुंच जाएंगे। केंद्र पर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां खड़े हो वहीं से गहराई में जाना है, बाहर यात्रा है ही नहीं, बाहर कहीं जाना ही नहीं है, बाहर कुछ अचीव करना ही नहीं है। जो कर रहे हो जिस विषय में खड़े हो, चाहे नृत्यकार हो, चित्रकार हो, संगीतकार हो, वास्तुकार हो, व्यवसायी हो, क्षत्रिय हो, योद्धा हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। परिधि से केंद्र पर आने के लिए सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हो उसी की गहराई में पहुंच जाओ। पांडव योद्धा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उसी की गहराई में श्री कृष्ण ने उनको पहुंचाया और केंद्रस्थ बना दिया। केंद्रस्थ होते ही पूर्ण हो गए। कुछ व्यापारी थे, इतिहास में वर्णन आता है, कुछ व्यापारी थे, दिन रात व्यापारी क्या करते थे, लेकिन व्यापार करते करते ही केंद्रस्थ हो गए। कहते गुरु नानक की जिंदगी का एक घटनाक्रम कि गुरु नानक कैसे बने, पता है आपको? जब गुरु नानक किशोर वय में थे, एक व्यापारी की दुकान पर, एक बनिए की दुकान पर सौदा तोलने का काम किया करते थे। तोलने के लिए आप भी लोग अपने बड़े बड़े शोरूम में एक आदमी रखते हो, तो वो तोलने का काम किया करते थे। अब जब तोल करते तो वो बोलते थे पुराने जमाने में 1 2 3 4 तराजू पे बोला करते थे, तो बोलते बोलते 13 शब्द आया, 13। वो 13 जैसे ही जुबान से निकला और उनके अंदर एक दृष्टि में एक किरण जागी, 13। अब 13 बोलना कोई बड़ी बात है? बोलो कितनी बार 13 बोलते हैं? वो 13 होता है, लेकिन बोलते तो सब 13 ही है। अब वो 13 बोला और जैसे कि उनके अंदर से एक लाइट आई और वो 13 बोलने के साथ ही उनकी चेतना बाहर से अंदर खिंच गई। 13 बोलने के साथ ही चेतना पूरी की पूरी बाहर थी और अंदर खिंच गई और उनके अंदर में एकदम एक प्रकाश की किरण फूटी। 13 मैं तो 13 हूं, बस एक एक क्षण के अंदर पूरा संसार बदल गया उनका। और फिर वो चल पड़े, वो दुकान छोड़ी, घर छोड़ा और निकल गए, क्योंकि एक किरण मिल गई। और भक्तामर के रचयिता कहते हैं कि एक बार जो क्षीर सागर का मीठा पानी पी लेता, खारा पानी पीने की वो इच्छा कैसे कर सकता। एक बार जो क्षीर सागर का, अमृत सागर का मीठा पानी पी लेता, फिर वो कभी जिंदगी में खारा पानी पीने की इच्छा नहीं कर सकता। तो एक बार 13 के साथ जो लाइट लगी वो अंदर पहुंच गए और बाकी की सारी दुनियादारी उनके अंदर से विस्मृत हो गई,
विस्मृत होने लग गए, केंद्रित होने लग गए, इसीलिए वे नानक गुरु नानक हो गए। देखो एक शब्द भी कमाल कर देता है ना। इसी तरह से एक और घटना ऐसी आती है इतिहास के अंदर। एक शेर था और उसका नाम था राजा। वैसे तो राजा का नाम राजा होता है, वो सेठ का नाम था राजा। और वो सुबह सुबह अपने घर में सो रहा था। जिंदगी में कभी उसने धर्म कर्म कुछ नहीं लेना देना कुछ नहीं था। कई सारे लोगों को होता है धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और हम पहले ही कह रहे हैं कि परिधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को मतलब है या नहीं है। परिधि पर सोने वाले सारे लोग सोए हुए ही हैं, वो धर्म करते हुए भी सो रहे हैं, वो कर्म करते हुए भी सो रहे हैं। जब तक हम केंद्रस्थ नहीं है तब तक सारी बातें नींद की है। जब तक हम जागे नहीं है तब तक सारे सपने नींद के हैं। और वो सपनों में हम राजा बने हो तो क्या, और सपनों में हम चमार बने हो तो क्या। सपना तो सपना है, अमीर हो तो भी सपना है, गरीब हो तो भी सपना है। और वो राजा नाम का सेठ सो रहा है। और देखो सुबह सुबह उसके घर के बाहर एक नदी बहती है जहाँ पे लोग सुबह सुबह टहलने के लिए आया करते हैं, और अक्सर आया करते हैं। और अक्सर जब टहलने के लिए आते हैं तो पता है आपको लोग अपने कुत्ते वुत्ते भी साथ ले जाते हैं, उनको भी साथ घुमा देते हैं सुबह सुबह। तो ऐसे ही एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसके साथ उसका डॉगी भी था। और वो अपने डॉगी को बड़े प्यार से राजा पुकारा करता था। प्यार है, प्यार में हम किसी को भी राजा कहते हैं, तो डॉगी को भी बड़े प्यार से राजा पुकारा करता था। और वो डॉगी को लेके जा रहा था और डॉगी एकदम से उसका हाथ छोड़ करके आगे भाग गया। तो वो जोर से चिल्लाने लगा, अरे राजा, अरे राजा, अरे राजा, कहाँ जा रहे हो, मालिक की तरफ तो आओ। उसके मुंह से निकला, मालिक की तरफ आओ, कहाँ जा रहे हो। बस वो राजा जो अंदर सो रहा था उसकी जाग आई, और जाग आते उसके कानों में ये शब्द के साथ ही जाग आई, और ये शब्द 5-7 बार पड़ गए, अरे राजा कहाँ जा रहे हो, मालिक की तरफ तो आओ। बस उसी क्षण के अंदर उसके अंदर एक लाइट घटी, एक किरण जागी, और वो सीधा मालिक की तरफ आ गया। कहते उसके बाद में वो अपने घर छोड़ दिया, कहाँ जाके बैठा किसी को नहीं पता, हो गया फकीर। जो जग गई अब दुनियादारी कौन संभाल सकता था, पहुंच गया अपने आत्मस्वरूप में। तो एक वचन किसका जगा दे कुछ नहीं पता, है ना। परिधि से केंद्र पर आने में समान दूरी है। किसी भी विषय पे खड़े हो, कुछ भी बने हुए हो, एक क्षण जहां हो वहां से गहराई में पहुंच जाओ तो केंद्र पर आ जाओगे। फिर भी प्रकृति बार बार हमें केंद्र पर धकाने के लिए बहुत प्रयास करती है। आप देखना, प्रकृति प्रयास कर रही है, भाव शक्तियां प्रयास कर रही है, हमारा मूल स्वरूप हमें अपनी ओर खींच रहा है। भाई अब तो आ जा अपने स्वभाव में, कब तक भटकेगा, थक नहीं गया तो भटकते भटकते। स्थानांग सूत्र कहता है कि जब आदमी बहुत थक जाएगा ना दुनियादारी से, तभी वो विश्राम लेने के लिए अपने आत्मा में आएगा, उसका नाम सामायिक होगा। सामायिक कब होगी, अभी जो हम सामायिक कर रहे हैं वो सामायिक की बात नहीं कर रहे, ये हमारी सामायिक करना भी भाग नहीं है। फटाफट करो, एक सामायिक करनी है, अरे दो करनी है, हाँ। और यहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है कि कितनी सामायिकें हो गई, फिर उसकी लिस्ट बनाई जाती है, फिर लगाई जाती है, फिर इनाम दिए जाते हैं, कितनी तपस्याएं हो गई। ये सब परिधि में गिनतियाँ हैं, और गिनतियाँ परिधि पर ही हो सकती है। केंद्र में तो भेद है ही नहीं, केंद्र अखंड है, केंद्र पूर्ण है, वहाँ भेद कैसे हो सकता है, वहाँ गिनती कैसे हो सकती है। गिनती मात्र व्यापारिक बुद्धि, और व्यापारिक बुद्धि मात्र दुनियादारी, बनियागिरी मात्र दुनियादारी है, वहाँ कभी आराम और विश्राम होता ही नहीं। स्थानांक सूत्र कहता है कि जब बहुत थक जाओगे तो विश्राम का स्थल क्या है, सामायिक। जब बहुत थक जाओगे तो विश्राम का स्थल क्या है, सद्गुरु का घर। जब बहुत थक जाओगे तो विश्राम का स्थल क्या है, उपवास और पौषध। उन्होंने उपवास और पौषध किसको कहा, हम जो उपवास और पौषध कर रहे हैं वाकई हम विश्राम में आते, केंद्र में आ गए। बहुत थक गए चलते चलते, अब रुक गए, अब आज रुक गए तो ऑटोमेटिक उपवास हो गया, क्योंकि बाहर जाएंगे तो खाना खाएंगे ना, तो बाहर ही नहीं जाने वाले तो खाना कैसे खाएंगे। तो उपवास किसको कहा, भूखे रहना मात्र उपवास नहीं था, भूखे रहना तो उसका एक लक्षण था कि जो उपवास घटित होगा तो आहार भय मैथुन परिग्रह सारी संज्ञाओं से ऑटोमेटिकली विराम आ जाएगा, सारी संज्ञाओं से विरमित हो जाओगे,
कब? जब बाहर में थक जाओगे तब। और अगर थके नहीं हो ना तो उपवास होने वाला ही नहीं है, और अंदर वास होने वाला ही नहीं है। उपवास यानी भीतर आवास, आत्मा में वास। जब आत्मा में वास होगा तो ऑटोमेटिकली चारों संज्ञाओं से दूर हट जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या कहा, स्थानांग सूत्र के सूत्रकार कहते हैं कि जब एक व्यक्ति थक जाएगा, दौड़ता भागता उछलता कूदता, बंदर भी उछलता कूदता रहता है, दिमाग भी उछलता कूदता रहता है, मन भी शरीर भी हमेशा दौड़ता ही रहता है। जब विश्राम चाहिए तो विश्राम में आना, जब विश्राम में आओगे, अपने आप में आओगे, तो सामायिक घटित होगी, तो उपवास घटित होगा, तो पौषित घटित होगा, और तब ज्ञान जगेगा, और तब दर्शन प्रकट होगा, और तब पूर्णता आएगी, तब पूर्णता आएगी। भीतर आने के ये दिन हैं पर्युषणों के दिन। कई लोग सवाल करते हैं पर्युषण क्यों मनाए जाते हैं। अब हम इसको मना रहे हैं, अब मनाने का अर्थ क्या है पहले तो ये भी समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मनाने का अर्थ भी जैसे उत्सव मनाते हैं वैसे ही कुछ मनाना होता है। हाँ, अब दुनिया में उत्सव मनाते हैं खा पी करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, घूम फिर करके। तो हम सोचते हैं यहाँ भी घूमना फिरना है, तो कहाँ, घर से उठे मंदिर तक आ गए, घर से उठे स्थानक तक आ गए। लेकिन यहाँ केवल यहाँ से यहीं की यात्रा नहीं करनी है, वरना फिर परिधि से परिधि की यात्रा होगी। और अगर परिधि से परिधि की यात्रा के दौरान ही ये सारे उत्सव मन रहे हैं तो ठीक है, एक बढ़िया सपना देखेंगे। पहले पैसों का सपना देख रहे थे, अब स्वर्गों का सपना देखेंगे। पहले पैसे कैसे आए ये सोच रहे थे, अब पुण्य कैसे आए ये सोच रहे होंगे कि इतना करेंगे तो इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, इतना पाप घट जाएगा। यहाँ एक अलग तरह की बैलेंस शीट बना रहे होंगे, वहाँ एक अलग तरह की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। सोने वाले आदमी के लिए हर स्थान पे वो कहीं जा कर के सो सकता है। और लोग कहते हैं महाराज साहब जितनी अच्छी नींद प्रवचनों में आती है, कहते रात भर नींद नहीं आती, लेकिन जैसे व्याख्यान में आकर के बैठू या आपके पास आके बैठू तो ऐसा मन करता है बस नींद में आ जाओ। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ कहीं तो विश्रांति आती है तो नींद भी आ सकती है। तो मैं कह रही हूँ कि इस उत्सव को ऐसे मत मनाना कि जैसे खाली हम एक बढ़िया सपना ही देख रहे हो, बढ़िया क्रिया ही कर रहे हो, और क्रिया करके फिर एक नया एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन बना रहे हो। अच्छा चलो भैया बढ़िया कर लिया, मैंने 8 दिन धर्म की आराधना कर ली, मेरे कुछ पुण्य हो गए, कुछ पाप हल्के हो गए, और फिर क्षमा वगैरह मांग ली तो यूँ अच्छा हुआ कि पिछले साल का अकाउंट क्लियर हो गया, अब नए साल की तैयारी। कई लोग कहते हैं महाराज साहब इस साल की क्षमा मांग लेते हैं भाइयों से, ताकि क्या हुआ कि पिछला अकाउंट तो क्लियर, अब अगले साल की वापस नया अकाउंट खोल सके। तो ऐसे पर्युषणों के लिए नहीं बात कर रहे हम यहाँ। कौन से पर्युषण आराधना की बात कर रहे हैं कि परिधि पर तो है ही, चाहे कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने एक साल पिछले साल कुछ किया नहीं किया कोई नहीं पूछने वाला, कम से कम यहाँ पर तो कोई नहीं पूछने वाला। एक ही बात है, जहाँ हो वहीं की गहराई में आ जाओ, जहाँ बैठे हो वहीं से अपनी दृष्टि को अंतर में ले जाओ, अंतर यात्रा शुरू कर दो। ये पर्युषण अंतर यात्रा के दिन है, परिपूर्ण रूप से अपने भीतर वास करने के दिन है, इसलिए इसको पर्युषणा कहते हैं, पर्युपशमना कहते हैं, पर्युपासना कहते हैं। अनेकों तरह के शब्दों से इसको समझाया गया है कि अपने भीतर के सारे कषाय उपशांत हो जाए, कषाय उपशांत हो जाए यानी तरंगे बाहर की ओर उठनी बंद हो जाए। जो तरंगे जो लहरें निरंतर उछल रही थी बाहर दुनिया में कुछ न कुछ पाने के लिए, चाहने के लिए, दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उन सब से उपशांति आ जाए। कोई प्रदर्शन ना हो, कोई दिखावा ना हो, कुछ पाने की चाहत नहीं, जहां है वहीं से अपने अंदर बैठ जाए हो सको। आप देखो मैंने कई स्थानों में देखा और बड़े बड़े गुरुद्वारों में भी देखा, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे होते हैं, लोग जाते हैं चुपके कोने में जाकर के बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से ज्ञान लेने नहीं गए हैं, बस वो अपने आप के सामने अपने आप के साथ बैठने के लिए। अब घर में तो कहाँ बैठ सकते थे, तो अपने आप के साथ बैठने के लिए गुरुद्वारे के किसी कोने में जाकर के आँख बंद करके बैठ गए। संगीत बज रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, संगीत के साथ ध्यान में मगन हो रहे हैं, लेकिन वो खुद के साथ है। हमारे यहाँ हर चीज़ बड़ी औपचारिक हो जाती है,
हम तो अगर गुरु महाराज के पास भी चले जाए और कुछ गुरु महाराज साहब बोले नहीं, हम कहते वाह चलो भाई वापस चलो यहाँ से, गुरु महाराज साहब तो बोले नहीं। अरे वो गुरु का डर है, वहाँ कोई बोले ना बोले, कोने में जाके बैठ जाओ चुपचाप। गुरु को लगेगा कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठने की कोशिश कर रही है और उठ नहीं पा रही है, तो आएगा, अपनी शक्ति तुम्हें देगा, थोड़ी मदद कर देगा, आएगा अपना ज्ञान तुम्हें देगा, मदद कर देगा। और लगेगा कि इस आदमी को तो देने से वैसे ही कोई मतलब नहीं है, ये तो भटक ही रहा है, ये अभी उछल ही रहा है, उछलने वाला है, तो वे दे के भी क्या कर लेंगे। हमें शांति से बैठना ही भूल गए हम बिना किसी कारण के अकारण बैठना। अब अकारण बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। ये पजुषणा किस चीज के है, अकारण, कोई लक्ष्य नहीं। बड़ी उल्टी बात है, कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य में तो हमेशा गति बाहर की होगी, कुछ पाने की होगी, यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा फ्यूचर में होता है। लक्ष्य कहाँ होता है, फ्यूचर में, भविष्य में होता है, इसको पाना है, अब उसको पाना है तो दौड़ो भागो चलो कूदो वहाँ तक पहुँचो। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, गहराई में जाना कोई लक्ष्य नहीं है, जहाँ है वहाँ पे डूब जाना बस। कहते हैं कई भक्त लोग जब भक्ति करते उनसे पूछते भगवान कहाँ, वो कहते भगवान कहाँ, झुकाई गर्दन और यार का दीदार कर लिया। भक्त कहाँ, बस गर्दन झुकाने भर की देर है, गर्दन झुकी और यार का दीदार कर लिया, यानी बस झुकी यानी अपने अंदर गया, गहरा हुआ और मेरा परमात्मा मेरे अंदर ही था, मुझे दीदार हो गया। ये है आध्यात्मिक पर्व पर्युषण, गर्दन झुकाने के पर्व, आँख मूंदने के पर्व, जहाँ है वहाँ से अपने भीतर पहुँच जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नवकार भी जप रहे हो तो उसके भीतर डूब जाओ, प्रवचन सुन रहे हो उसमें डूब जाओ, सामायिक में बैठे हो उसमें डूब जाओ, व्यापार में हो वहां पर भी बैठे बैठे देखो किसी को लॉ लग सकती है, बस लॉ लगे, अंदर की लॉ लग जाए, अंदर में जागृति घट जाए, उसके लिए ये दिन है। ये दिन संदेश दे रहे हैं कि बहुत भटक रहे थे परिधि पर, अब तो केंद्र में लौटा। आठ रोचक प्रदेश, आत्मा के आठ केंद्र स्थान जो कभी नहीं चलते, बाकी सारे आत्म प्रदेश चंचल रहते हैं, गतिमान रहते हैं, इन आठ आत्म प्रदेश कभी गतिमान नहीं रहते, वे स्वस्थ रहते, वे ही हमारा केंद्र है। उन आठ रोचक प्रदेशों में हमें केंद्रस्थ होना है, इसीलिए कहीं से भी हो किसी गुण से यात्रा करो, किसी भी कर्म के द्वारा यात्रा करो, किसी भी कर्म की विमुक्ति होती जाए, एक भी कर्म की विमुक्ति होगी तो आठों की हो जाएगी, बस भीतर पहुंचना है। इसलिए ये आठ दिवस है पर्युषण के, अब हमें ये देखना कि हम इसमें अपने भीतर कैसे डूबते हैं, मौन में कैसे जाते हैं, सत्य में कैसे जाते हैं, संयम में कैसे पहुँच जाते हैं, तप में कैसे पहुँच जाते हैं। और ये सारी साधनाएँ ऐसी हो कि जिसमें कुछ करना ना हो, हम उपवास कर रहे हो ऐसा नहीं है, बस खाना करने का मन ही नहीं हुआ, खाना छूट गया, उपवास नहीं करना है, समझना, भोजन का छूट जाना है, मौन करना नहीं है, वाणी का छूट जाना है, स्वाध्याय करना नहीं है, ये सब आत्म साधनाएं करने की नहीं होती है, ये सब न केरिमी न कारविमी में घटित होती है। कब घटित होती है, जब आप बाहर की दुनिया की गति को न करेमी और न कारवेमी कह देते हो कि बहिर यात्रा मैं न करूंगा न करवाऊंगा, तब क्या होगा, तब भीतर की यात्रा स्वयमेव उद्घाटित होगी। ये सामायिक की साधना है, न करेमी न कारवेमी। और आगे तीसरा वर्ड और कहते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तीन करण और तीन योग होते हैं। तीसरा करण होता है करण तंपी अन्नम न समणु जानामी, करण तंपी अन्नम, कोई अन्य कर रहा है, न समणु जानामी, मैं उसका अनुज्ञान भी नहीं करूंगा, कौन क्या कर रहा है मैं इसका पता भी नहीं करूंगा। जैसे आप भी उपासरे में बैठे हो, कोई दूसरा भी उपासरे में बैठा है, उसका ध्यान लग रहा है, उसके अंदर से रोना फूट रहा है, उसके अंदर से हंसना फूट रहा है, उसके अंदर से कुछ और आवेग फूट रहे हैं, लेकिन हमारा काम कुछ भी उसका ध्यान रखने का भी काम नहीं है, कुछ ध्यान मत रखो, क्योंकि ध्यान दूसरे का रखा तो बहिर यात्रा हो गई। कौन दुकान पे बैठा नहीं बैठा कुछ ध्यान नहीं रखना, वरना लोगों की स्थिति पता कैसी होती है। मैंने एक सेठ के बारे में सुना, उनके पड़ोसी मुझे बता रहे थे कि वो उनके पड़ोस में जो सेठ साहब रहते हैं वो मरने लगे,
जब मरने लगे तो घर परिवार के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पता लग जाता है इतने महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर डॉक्टर्स ने कह दिया भैया आप घर ले जाओ, अब यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, इनके प्राण अपने घर में जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो वो घर में लेकर आ गए। अब उनके चार बेटे थे और बड़ा परिवार था, पोते वोती सब थे। अब जब वो मरने लगे तो सारे बेटे पोते बहुएं सब उनके कमरे में उनके चारों ओर इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तो सेठ साहब मरने के करीब है और अचानक होश आता है। होश आता है तो पूछते रमेश बड़ा बेटा, वो कहता हाँ जी पापा पास ही हूँ मैं आपके, वो हाथ पकड़ता है। फिर दूसरा नाम लेते हैं, अरे महेश, महेश भी कहता है जी पापा। ऐसे ऐसा करके उन्होंने वो चारों बेटों का पोतों का सबका नाम लिया और सब उनके पास आ गए। सोचे भैया पिताजी जाने वाले हैं, दादाजी जाने वाले हैं, तो कम से कम अंतिम समय पर वो हमको याद कर रहे तो हम उनके पास रहे। सब उनको कह रहे हैं हाँ पापा हाँ पापा। तो सेठ कहता है अरे साले सब के सब यहाँ हो तो दुकान कौन संभाल रहा है। तो वो पड़ोसी मुझे बता रहे थे महाराज साहब मरते हुए आदमी के अंदर भी क्या रहता है। मैंने कहा जो जीते जी रहता है वही मरते वक्त रहता है। हम सब जानते हैं अंत मति सो गति, लेकिन वो अंतिम मति भी सुधरेगी कैसे? अगर परियोजनाओं में नहीं सुधरती है गति तो अंतिम समय में सुधर जाएगी इसकी भी संभावना नहीं है। यहाँ तो जागते हुए सुधरने की बात होती है, फिर वहाँ तो वैसे ही होशमंद हो रहा होगा। जब होशमंद ही हो रहा होगा तब होश कैसे संभालेंगे? अभी तो होशोवास में है तब भी होश नहीं संभलता, तो जब होशमंद ही हो रहा होगा तब होश कैसे संभालेंगे? तो सीड का दोष नहीं है, दोष हम सबका है। हम सबकी मति होश में आती नहीं है, तो ये होश में आने के दिन है। इसलिए इन 8 दिनों में बस एक काम मत करना, बस एक काम मत करना। क्या आप बताओगे कि मैं बताऊं? हाँ मैं ही बताऊं। इन 8 दिनों में बस एक काम मत करना, परिधि पे भ्रमण मत करना। बहुत अच्छा जवाब मिला, परिधि पर भ्रमण मत करना, प्रमाद मत करना। बस प्रमाद मत करना, परिधि पर भ्रमण का नाम ही प्रमाद है। और जहाँ हो वहीं से केंद्रस्थ हो जाना। ऑफिस में बैठे हो भीतर चले जाना, घर में हो भीतर जाना, भीतर जागते जाना, भीतर जागते जाना, भीतर जाते जाना। वो स्वो प्रकाश की किरण जो उस राजा सेठ के घर में पैदा हो गई, उसके गट में पैदा हो गई, वो प्रकाश की किरण जो नानक साहब के भीतर पैदा हो गई, वैसी प्रकाश की किरण हम सारे ही लोगों में प्रकट हो जाए और हम सब लोग अपने आपे में आए, अपने आपे में आए, अपने केंद्र में आए। एक केंद्र ही है जो पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। एक केंद्र ही एक धुरी है जहाँ हम निष्काम होते हैं, जहाँ आकर के हमें कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है। फिर हमें कुछ चाहिए नहीं, शरीर शरीर का धर्म निभाएगा, वाणी वाणी का धर्म निभाएगी, व्यवहार सारा निभेगा, लेकिन मुझे कुछ चाहिए क्या कोई सवाल करेगा तो मैं कहूँगा मैं पूरा हूँ। घर की जरूरत है, बीवी बच्चों के लिए जरूरत है, पैसे की तो पैसे आए, लेकिन मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। ऐसा होना ना, ऐसा होना कि मुझे ना भागना पड़े। अब अभी भी शरीर गाड़ी में यात्रा कर सकता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं अपने आप में हूँ। गाड़ी में यात्रा कौन कर रहा है? तन यात्रा कर रहा है, मैं तो अपने आप में हूँ। और होता अभी क्या होता है, हम बैठे होते हैं, तन बैठा होता है, लेकिन हमारा मन गाड़ियों में भटक रहा होता है ना। वो कहते हैं चित्त चालवे मन मालवे, हिया हड़ोती माए, सेज बिछाई आगरा में सुता दिल्ली जाए। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि सेज कहीं बिछाते हैं और सोते कहीं और हैं, बैठे कहीं और होते हैं और घूमते कहीं और होते हैं। ये सब परिधिगत भ्रमण है। अब हम जब केंद्र में आएंगे ना तो बड़ा आश्चर्य घटित होगा। आप देखोगे अरे वाह ये शरीर बीमार है पर मैं स्वस्थ हूँ। शरीर को भूख लगी लेकिन मेरे को कोई भूख नहीं है। शरीर को जरूरत भी पैदा हो रही है लेकिन मैं उस जरूरत को आराम से देख पा रहा हूँ। ये कब घटना घटेगी? जब केंद्रस्थ होना संभव हो जाएगा। तो हमारे सबके जीवन में ये 8 दिन ऐसे आए ऐसे रहे कि हमें 8 दिनों के अंदर इतनी अप्रमत्त अवस्था में रहे, जागृति में रहे, कि हम सब अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाए। हम सब केंद्र को उपलब्ध हो जाए तभी नया जीवन घटित होगा। नया जीवन घटित होने का नाम है संवत श्री। संवत श्री, संवत यानी वर्ष, श्री यानी
शुभारंभ, नए वर्ष का शुभारंभ। अब यूं देखा जाए तो संवत्सरी से किसी का नया वर्ष शुरू नहीं होता। अगर पंचांग के अनुसार देखा जाए तो भारतीय पंचांग में कोई नया वर्ष संवत्सरी से शुरू नहीं होता। होता है क्या? जैनियों का नया साल शुरू कब होता है? दीपावली से, कार्तिक कृष्ण अमावस्या से, ठीक है। और हिंदुओं का चैत्र से, चैत्र सुद एकम से शुरू होता है। और इंग्लिश ईसाइयों का 1 जनवरी से। तो फिर इसको संवत्सरी कैसे कह दिया? इसमें कौन से नए वर्ष का शुभारंभ हुआ? संवत्सरी नाम है इसका, संवत्सरी, जिसको बोलते हैं संवत्सरी, संवत्सरी। संवत्सरी का मतलब होता है नया साल शुरू हुआ। कौन सा नया साल शुरू हुआ? ये भीतर की यात्रा की बात है। वह सारे लोग बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं पता कि कौन सा नया साल शुरू हुआ। ये भीतर की यात्रा है कि बहुत साल परिधि में रहे लेकिन अब हम केंद्र में आ गए। जब केंद्र में आए तो अब हमारा जो तल था, जीने का तल, वो यहाँ से यहाँ हुआ, केंद्रस्थ हो गया। और अब हमारे लिए नया वर्ष, नई जिंदगानी, नया चेतना का तल उद्घाटित हुआ, जहाँ हम ये देख पाते हैं कि तन मन वचन तीनों से जुदा, तीनों से भिन्न मेरा अस्तित्व है। और मेरा ऐसा अस्तित्व है जिसमें सबके अस्तित्व समाहित है, मुझसे पराया कोई है ही नहीं, मेरे लिए पराया कोई है ही नहीं, है ही नहीं। अभी कह रहे हो है, लेकिन 8 दिनों की साधना के बाद आप कह सको कि अब मेरे लिए कोई पराया रहा ही नहीं। जिस दिन यह अवस्था आ जाए कि कोई पर बचा ही नहीं, कोई पर बचा ही नहीं, उसका नाम होगा संवत्सरी। तो यह दिन सबकी एक यात्रा हो परिधि से केंद्र की ओर, जहाँ हो वहीं से आंखें डूब बंद हो, मन के विचार बंद हो और हम सब भीतर पहुँच जाएं। साधना का सूत्र क्या होगा? न करेमी न कारवेमी करण तंपी अन्नम न समणु जानामी मात्र पजुवासामी। केवल अपने आप में रहना, बाकी कुछ नहीं करना, न करवाना, न करने वालों का अनुज्ञान करना, पंचायत भी नहीं करना, प्रपंच भी नहीं करना, बस आवश्यक जो होना होगा वो स्वतः होगा। और अब देखो हमारी जिंदगानी में आवश्यक हमें करना ही नहीं पड़ता, आवश्यक हमेशा ही स्वतः होता है। और वो कैसे स्वतः होता है? सांस हम लेते हैं पर सांस जाती खुद ब खुद है, ठीक है ना। खाना हम खाते हैं और निकलता खुद ब खुद है। आहार हम करते हैं, निहार स्वतः होता है। जो आवश्यक है वो स्वतः होता है। हर एक जगह पे देख लो, नींद हमारी हम ले नहीं सकते, नींद स्वतः आती है, जागृति स्वतः आती है, शरीर अपने व्यवस्था स्वतः दिखाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। और हकीकत तो यह है कि भोजन जो हम करते हैं ना, अगर गहरी भूख होगी वो भी करना नहीं पड़ेगा, शरीर खुद उठ के जाके भोजन कर लेगा। अभी तो हम इच्छाओं से करते हैं, ये खाना वो नहीं खाना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है। क्यों? क्योंकि हमारे को भूख नहीं है। जब भूख नहीं होती है तो चुनाव होता है, और भूख होता है तो चुनाव होता है क्या? नहीं होता है ना। राजस्थान में कहावत है, आपने तो सबने सुनी होगी, कि भूख मीठी की लाभ सी, भूख मीठी या लाभ सी या हलवा। तो भाई मीठी तो भूख है, भूख है तो लाभ सी मीठी, भूख नहीं हो तो सब बेकार है। तो भूख लगेगी तो सारे काम स्वतः होंगे, यानी हमारे आवश्यक काम स्वतः होते हैं, करने नहीं पड़ते। जो भी हम करते हैं वो सब अनावश्यक होते हैं, जो भी हम चला के कर रहे होते हैं सब अनावश्यक कर रहे होते हैं। इसीलिए साधना का सूत्र है, न करेमी न कारवेमी करण तंपी अन्नम न समणु जानामी मनसा वयसा कायसा। करना क्या है? मात्र पजुवासामी, केवल पजुवासामी करनी, यानी पर्युपासना करनी, गुरु के समीप बैठना, आत्मा के समीप बैठना, गुरु के ज्ञान के समीप बैठना, अपने भीतर डूब जाना, अपने केंद्र में आ जाना। एक इतनी ही दुआ कि हम सब केंद्रस्थ हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति।